मैं आपका मित्र आचार्य विनोद श्रीमाली जी आज आपको गुप्त नवरात्रि में करने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। इस वीडियो को एक बार पूरा देखें और इन 11 उपायों पर कर जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त करें। 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। मान्यता के अनुसार ये उपाय इस प्रकार हैं। 1. दशमंत पसंद वर के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं माँ पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार, चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में माँ पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। 2. शीघ्र विवाह के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र उषं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय चपते मेदिह कुरु कुरु स्वाहा। यह भी पढ़े। 3. दाम्पत्य सुख के लिए उपाय। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियां दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई सब नर करें परस्पर प्रीति चलें स्वधर निरत श्रुति नीति। 4. धन लाभ के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंग लें कि एक ढेरी बनाए। फिर उस पर एक श्रेयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्रेयंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। 5. मनचाही दुल्हन के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर नम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। 6. इंटरव्यू में सफलता का उपाय। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहनकर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मंत्र उंगली वागवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। 7. बरकत बढ़ाने का उपाय। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वस्तिक का चयन बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र श्री ह्री श्री महालक्ष्मी नम। मंत्र जाप के ये हैं नियम। मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। - मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। - इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग लगातार 9 दिनों तक करें। - इस प्रकार रोज एक माला जाप करें।
उन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर की बरकत बढ़ सकती है। 8 देश माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रूप से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती, वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। 9 देश वेद पाठ के साथ यदि कर्पूर, अगरु, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। 10 देश द्राक्षा, दाख के रूप से यदि माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। 11 देश इसी प्रकार यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बनता है। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। बृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुम्बाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मेघनाद ने ऐसा ही किया और शक्तियां हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाद ने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध कर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। ऐसी मान्यता है कि यदि नास्तिक भी परिहासवश इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसका भी फल सफलता के रूप में अवश्य ही मिलता है। यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते तो यह समय आपके लिए माता की कृपा लेकर आता है। गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए मां शक्ति की मंत्र साधना कीजिए। गुप्त नवरात्र की साधना सभी मनोकामना